हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मल्टी कुजींस। जी तो दोस्तों, आज मल्टी कुजींस में बन रही है बहुत ही रिच रेसिपी, बहुत ही मज़े की रेसिपी, स्ट्रॉबेरी आइस। गर्मी के मौसम में घर बैठे बैठे मज़ेदार आइस मिल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। ये मज़ेदार सी आइस सिर्फ 3 चीज़ों से तैयार होने वाली है। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 चीज़ें और बहुत ही मज़ेदार सी आइस आपके फ्रीज़र में। 1 गिलास स्ट्रॉबेरी पल्प, 1/2 गिलास कॉन्डेंस मिल्क, 1 गिलास व्हिपिंग क्रीम। कॉन्डेंस मिल्क में शुगर मौजूद है, इसलिए मैं अलग से यूज़ नहीं कर रही। तो आइए इस मज़ेदार सी आइस को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में मैंने व्हिपिंग क्रीम डाली। ये देखिए, 1 गिलास व्हिपिंग क्रीम मैंने डाल दी एक बाउल में। इसको अब मैं 1 मिनट के लिए बीट करूंगी। 1 मिनट बीट करने के बाद इसके अंदर मैं कॉन्डेंस मिल्क शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो शुगर के बगैर भी कॉन्डेंस मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन लोगों को शुगर नहीं चाहिए। स्ट्रॉबेरी पल्प डाल दिया मैंने अब इसमें। अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। मैंने 500 ग्राम फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ली थी, उनके अंदर 1 गिलास पानी डाल के उनको पीस लिया था मैंने। लीजिए जी, मज़ेदार आइस रेडी है। अब इसको मैं एक बाउल के अंदर डाल के उसको फ्रीज़र में रख दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने डाला इसको बाउल के अंदर। इसका ढक्कन अच्छे तरीके से बंद करके इसको 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखते हैं। चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। तो लीजिए जी, हमारी आइस रेडी हो चुकी है। बाउल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था फ्रीज़र में, लेकिन कोई बात नहीं जी, आइस बहुत अच्छी बनी है। अब मैं एक एक करके सारी आइस बॉल्स सर्विंग बाउल में निकाल दूंगी। देखिए जी, कितनी क्रीमी, कितनी मज़ेदार आइस रेडी हुई है। मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए बारीक बारीक फ्रेश स्ट्रॉबेरीज काट के रखी हैं, वो डालूंगी इसके ऊपर। आप चाहें तो कोई और फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो ये देखिए, मैं बारीक कटी हुई स्ट्रॉबेरीज इसके ऊपर डाल रही हूँ। और ये स्ट्रॉबेरी पल्प जो मैंने उसमें बनाने के लिए यूज़ किया था, वही थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, वो अब इसके ऊपर डाल दिया। तो ये देखिए जी, मज़ेदार आइस रेडी है। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।